नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शनिवार को थाना दिवस पर आए सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया व थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान, पार्षद, संभ्रांत व्यक्ति, व्यापारी वर्ग, पुजारी, मौलवी व पत्रकार बंधुओं के साथ आगामी त्योहार व लोकसभा चुनाव बाजारों से फुटपाथ पर लगे अवैध अतिक्रमण के संबंध में थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग की गई। मीटिंग में शासन और प्रशासन द्वारा जारी निर्गत आदेशों व निर्देशों से अवगत कराया गया। मीटिंग में एसडीएम सदर व क्षेत्राधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष बबीना, चौकी प्रभारी भेल, चौकी प्रभारी बेदौरा व समस्त हल्का प्रभारी मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए बबीना से नईम खान की खास रिपोर्ट। कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था से अवगत होती है, समस्या होती है पब्लिक को। उसके अलावा कई सारी जो हमारे ज्वेलरी के जो भी व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनसे हमारा एक करबद्ध निवेदन है। अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको कई बार हमने अपील की है कि सीसीटीवी कैमरे काफ़ी संख्या में आप लोगों ने बता भी रखे हैं, इसको लेकर के आप लोग जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पुलिस की व्यवस्था तो है, ठीक है, हम हमेशा अपना काम करते ही हैं। हमने कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था से अवनीत होती है, समस्या होती है पब्लिक को। इसके अलावा कई सारे जो हमारे ज्वेलरी के जो भी व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनसे हमारा एक करबद्ध निवेदन है। अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको कई बार हमने अपील की है कि सीसीटीवी कैमरे काफ़ी संख्या में आप लोगों ने बता भी रखे हैं, इसको लेकर के आप लोग जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पुलिस की व्यवस्था तो है, ठीक है, हम हमेशा अपना काम करते ही हैं। बैठक की गई है, इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे स्टाफ द्वारा बताई जाएंगी, तो इसी को लेकर के ये बैठक की गई है। तो मूलतः दो तीन बातें हैं बता दें आप। जो अभी हमारे एसएसपी महोदय द्वारा कस्बा बबीना और बीएचएल दोनों का भ्रमण किया गया था, तो जो हमारे व्यापारी बंधु गया कि अनुरोध कर लीजिएगा कि दुकानें सड़क पर कुछ ज़्यादा आगे करके, बोर्ड भी लगाए हैं, बढ़ाए भी हैं, टक्कर भी लगाए हैं, टीन शेड भी लगाए हैं। तो साहब द्वारा ये भी बताया गया था कि श्रीमान एसडीएम महोदय को बुला करके सबसे वार्ता कर लें और जितना निस्तारण हो सके, चूँकि उससे रोड भी जाम हो रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था भी गड़बड़ हो रही है और काफ़ी आने जाने में असुविधाएँ हो रही हैं। तो एक तो ये विषय है, दूसरा यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।